बोलो श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डी नॉलेज वाणी में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के धाम में अर्जी कैसे लगाते हैं या कैसे लगाएं। अर्जी लगाने को लेकर संपूर्ण सटीक जानकारी आप लोगों को बताते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो भी ज़रूर कर लो, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को भी अर्जी लगाने में कोई दिक्कत ना हो और आप पर भी श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। बागेश्वर धाम अर्थात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का वह पवित्र धाम जहां पर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों की अर्जी को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, यह प्रश्न सभी का होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आप बागेश्वर धाम की अर्जी कैसे लगाएं। बागेश्वर की अर्जी लगवाने का यह उपाय स्वयं आचार्य धीरेंद्र कृष्ण जी ने बताया है कि आप घर बैठे अपनी अर्जी कैसे लगवा सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको धाम से टोकन लेना होता है, जो कि आपको बागेश्वर धाम जाने पर ही मिलेगा। बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लाल वस्त्र तथा एक नारियल को लेकर अर्जी को बांध देना है। इसके बाद आपको टोकन ले लेना है। बागेश्वर धाम में टोकन लेने के बाद आपको मोबाइल फोन द्वारा महाराज जी के सेवक बता देंगे जिस दिन आपकी अर्जी लगाना होता है, उस दिन आपकी अर्जी लग जाएगी। लेकिन यदि उस दिन ज़्यादा टोकन की वजह से आपकी अर्जी नहीं लग पाती है तो आप अपने घर से अर्जी कैसे लगाएं, चलिए यह भी जानते हैं। घर बैठे अर्जी आप सिर्फ मंगलवार को ही लगवा सकते हैं और इसके बाद घर बैठे अर्जी लगवाने के लिए सबसे पहले आपको लाल वस्त्र लेना है और उसमें नारियल को लेकर अपनी अर्जी बांध देना होता है। उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करना होता है। यह सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा हुई तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन अर्जी लगाने वाले को 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा या होता है, चाहे वो गृहस्थ जीवन का ही क्यों ना हो। और इसके अलावा आपको लहसुन और प्याज का भी त्याग करना पड़ेगा। जब आपकी अर्जी लग जाए तो आप जब भी श्री बागेश्वर धाम जाएं तो आप उस अर्जी को धाम में जाकर बांध देना। यदि जाना ना हो सके तो कोई बात नहीं, उस अर्जी को आप अपने घर में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के धाम की अर्जी को लेकर जानकारी। कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बोलो जय बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय।